तो रुको जरा, सबर करो। अरिजीत भाई बिग फैन, अरिजीत भाई बिग फैन। हाय हाय, इतना सुकून। और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज है अपना रैंक पुशिंग का 14वां दिन, और जैसा इसका नाम है ना, वैसे ही दिन जा रहा है मेरा आज का। आज का रैंक पुश के लिए मेरा काफी बेकार दिन था। मतलब भाई, जितने भी मैच खेले एक भी अच्छा जा ही नहीं रहा है। सोच रहा हूँ काले कपड़े पहन के खेलूं, नजर वजह लग गई लगता है किसी की। लेकिन यार, ये 21वीं सदी है, तुम कौन से सदी में जी रहे हो? आजकल नजर वजह नहीं लगती, सीधा खैर छोड़ो। अब देखो, इंट्रो में जो तुमने सीन देखे है ना, जितने भी मैंने स्प्रे दिए, वो सारे के सारे एक मैच का एक अच्छा स्प्रे है। मतलब भाई, एक अच्छा स्प्रे देने के बाद अगली फाइट में जो ही तुम्हारे भाई ने हगा है ना, जो ही मराऊ मैं। खैर वो सब छोड़ो, अब देखो बस यहाँ की फाइट, और आप में से काफी लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे एंड सर्कल में, तो वो भी बताऊंगा। अब मेरी किस्मत देख रहे हो तुम, हर बार मैं वो छोटी सी जगह पे उतरता था, वहाँ मुझे गन नहीं मिलती थी। इस बार तो इतने बड़े कंपाउंड से मैं उतरा हूँ, यहाँ पे भी गन नहीं मिली, और मिली भी है तो बाहर आके ये क्या मिली है, कटर पटर। और इस भाई की किस्मत तो मेरे से भी ज्यादा खराब थी, इसे कटर पटर भी नहीं मिली। अब मुझे लगा था यहाँ पे अपना खेल खत्म है, क्योंकि इस भाई ने जो ही अपने को डैमेज दिया था ना, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये कौन से नशे में आ रहा था। अब माना इस भाई के पास जनरेटर था, उसका मतलब ये थोड़ी है रोकना ही नहीं है। अब ये भाई के लिए भी थोड़ा सा बुरा लगा, ज्यादा बुरा नहीं लगा, और जो मैं ये बोलता हूँ ना, बुरा लगा, घंटा बुरा लगा। अब देखो, अपने अच्छे खासे 4 किल हो चुके थे, मैंने पूरा सोच लिया था आज तो ये इवेंट खाली कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन बस पूरा सोच ही नहीं पाया ढंग से। अब देखो, जब इवेंट पे भगा भगा के मारे जाओ, उसके बाद तुम लोगों को बिल्कुल जोन के अंदर सकल ही नहीं दिखानी है, जोन के बाहर जाना है व्हीकल लेके, और व्हीकल कहाँ पे मिलता है उसके लिए भी तुम्हारे भाई ने वीडियो बना दी है, देख लेना एक बार। और आप लोग बड़ा इतने दिनों से कार स्प्रे कर रहे थे, और कल की वीडियो में जब तुम्हारे भाई ने कार स्प्रे ड्रिल्स बता दी, तो उस वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए। मतलब भाई, तुम्हें जब देखनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? तो देखो, जिस भी भाई ने कल की वीडियो नहीं देखी है ना, वो देख लेना। अबे रुक जाओ, अभी नहीं जाना, इस वीडियो के बाद जाना। अब देखो, ये वाला सर्कल बन जाता है सीधा मिलिट्री बेस का, और पूरा जोन तुम्हारे भाई ने जोन के बाहर ही सर्वाइव करा है, बैंडेज घिस घिस के। आराम से जोन के बाहर ही सर्वाइव क्या करो यार, किल से नहीं भी होते ना, तब भी जोन के बाहर ही सर्वाइव करो आराम से, क्योंकि मेन सर्वाइवल मैटर करता है। और देखो, मिलिट्री का जोन हो और ब्रिज कैंप ना हो तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे भाई नोवो के रिस से आता है डायरेक्ट, और वो भी सीधा डेथ सर्कल में। अब तो कोई बैठा ही नहीं हो सकता, और अगर बैठा होगा तो वो भाई एकदम ढीठ बंदा है, उससे तो मरी लो भाई, अच्छा है। अब मैं यहाँ पे पहले अपनी कूप को चाय पानी कराता हूँ, क्योंकि भाई थक गई होगी, ये भी काफी दूर से चल के आ रही है। अब निकलते हैं सीधा जोन के सेंटर में। नहीं सेंटर नहीं, लास्ट जोन चल रहा है, घंटा सेंटर खाली मिलेगा। डोला रे डोला करते हुए तुम्हारा भाई मस्त जोन के अंदर पहुंच जाता है। बस देखो जोन के एज पे कहां पे होल्ड करते हैं यार, सेंटर बोलते बोलते मुंह से सेंटर ही निकलता है। अब अपने को बिल्कुल एज पे, बिल्कुल ही मतलब एज पे, अगर हल्का सा भी बाहर निकला तो जोन के बाहर, इतना एज पे अपने को ये सैक खाली मिल जाता है। और ये देखो, ये जोन से निपट रहे, अबे मुझे ही दे देते इससे अच्छा किल, जोन से मर रहे हो। जो ही कार इस पे आगा है ना तुम्हारे भाई ने, अब देखो मेरी कोई गलती नहीं है, 3x लग रखा था उसकी गलती है। यहाँ पे अगर रेड डॉट लगा होता तो मैं पक्का उतार देता, यहाँ पे रेड डॉट और 3x की गलती है, इन दोनों ने अपनी जगह क्यों चेंज की। अब देखो, जोन अपने से बिल्कुल हल्का सा आ गया, मैं आगे जाके होल्ड भी कर लूंगा, और ना मेरा नेड नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें बहाने गिनवा दे रहा हूँ कि मैं आगे जाके क्यों मरने वाला हूँ। देखो भाई, सही बता रहा हूँ बिल्कुल, तुम्हें भी पता है मैं आते ही तुरंत ग्रेनेड निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इतनी बार ट्राई करा, ग्रेनेड निकल ही नहीं रहा, फिर मैंने गन चेंज करी और तब ग्रेनेड निकला। और यहाँ पर बस ग्रेनेड अगर निकल गया होता ना, तुम्हारा भाई पक्का मार देता है इस बंदे को, और वैसे भी मार सकता था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या ही हक दिया मैंने शॉटगन लेके। अब उस मैच से अपने को 21 तोपों की सलामी मिल चुकी थी कि जाओ अब अगले मैच में जाके हगो, और इस वाले मैच में मेरे पास थी फ्लेयर गन, तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग ऑन की थी और वो BRDM ऑर्डर कर दिया, अभी जोमेटो वाले डिलीवर करते ही होंगे। सॉरी भूल गया था, रिकॉर्डिंग मैंने पहले ऑन कर दिया, अभी ऑर्डर करने वाला हूँ, लो तुम्हारे सामने ऑर्डर कर देता हूँ, फिर डिलीवर होगी, ठीक है।
अब देखो अगली बार से अगर मुझे फ्लेयर गन मिलती है ना तो तुम्हारा भाई अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, और बीआरडीएम तो बिल्कुल नहीं मंगाने वाला भाई। मुझे बीआरडीएम जब जब मैंने मंगाई है ना तब तब मराऊं बहुत गंदी तरह। अब ये भाई साहब लगभग लगभग यहाँ से बच के निकल ही गए थे, क्या लल कर रहा हूँ, कैसी जीव लवल भाई। अब देखो आज के पूरे गेम प्ले में बस एक ये चीज और एक इंट्रो वाली चीज, दो ही चीज है जिस पे तुम लोग लाइक कर सकते हो, क्योंकि भाई गेम प्ले बना ही नहीं आज मेरा। और हाँ, लाइक करने के लिए तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि इंट्रो वाली चीज के लिए तुम लोग लाइक कर सकते हो। टीम अप वाले मारे भाई, तुम्हारे भाई ने क्या ही उतारे, दोनों बाहर कर दिए गाड़ी से। तो कर दो जल्दी, कर दो लाइक, कर दो जल्दी करो। कर दिया ना, कौन से नंबर का लाइक है जरा एक बार कमेंट करके बता दो। अब देखो अपना मौत का सामान भी आ चुका है, क्योंकि भाई बीआरडीएम मैंने जब जब यूज किया तब तब मरा ही हूँ। अब इसमें अपनी घर गृहस्थी रखते हैं और फिर डासिया से निकालते हैं। अब तुम्हारे भाई जोन के एकदम एज पे आके होल्ड कर लेता, और सामने की साइड मुझे दिख गई थी एक बग्गी। तुम्हारे भाई ने सोच लिया था कि इसको तो मस्त उतारूंगा बग्गी से जैसे ही बैठेगा। अब सब कुछ मेरे सोचने के हिसाब से चले तो बढ़िया ना हो जाए। अच्छी खासी बीआरडीएम की सत्यानाश करवा लिया मैंने, अब बस धुआं निकलना ही बाकी है इस बीआरडीएम में से, और कुछ नहीं बचा है इसमें। अब देखो तुम्हारे भाई ने उसको अच्छे खासे स्प्रे के साथ डरा दिया था बिल्कुल, अब वो इधर आने का भी नहीं क्योंकि वो उधर से जोन में जाएगा। और हाँ एक चीज बताना भूल गया, तुम्हारे भाई का एस मास्टर हो चुका है, और देखो मैं दिन के ना पूरे प्रॉपर 2 घंटे भी मुश्किल ही खेल पा रहा हूँ, इस वजह से इतना लेट हुआ है, वरना अब तक तो तुम्हारा भाई आराम से कॉन्कर करके टॉप 100 में बैठा होता। और इस सीजन करेंगे टॉप 100 भी करेंगे, क्योंकि मैं पेट पुश नहीं करने वाला। और भाइयों आप लोगों का भी जब ऐसा दिन जाता है ना कि चाहे अच्छा खेलो बेकार खेलो मरना ही मरना है, तो उस दिन ना तुम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्राई करा करो कि ना ही खेलो, क्योंकि भाई अगर माइनस लग गया तो फिर डिमोटिवेट हो जाओ, फिर आओगे भाई माइनस लग गया यार प्लस नहीं मिल रहा। तो देखो अगर एक मैच में माइनस लगता है तुम्हें अच्छा खासा, तो भाई ट्राई करो कि 1 घंटा तो कम से कम ना ही खेलो, उसके बाद एकदम मूड फ्रेश के साथ खेलो। अगर फिर से माइनस लगता है तो भाई वो वाला दिन मत ही खेलो, बात मानो उस दिन तुम्हें फिर माइनस ही लगने वाला है चाहे तुम कितना भी अच्छा खेल लो। और तुम्हें रैंक पुश में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो तुम्हारे भाई को बताना, तुम्हारा भाई सीधा उस पर वीडियो बना देगा, या अपनी दिक्कतें सॉल्व नहीं हो रही तुम्हारी वीडियो बना दूंगा। अब वक्त रहते मुझे याद आ जाता है कि मेरे पास एक कॉकरोच है, उसके अंदर ही बैठ जाते हैं सेफ रहेंगे। अब आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। अब देखो वैसे मैं ये स्प्रे कट भी कर सकता था, लेकिन फिर तुम सोचते कि भाई तेरे स्प्रे बड़े अच्छे जाते हैं तो घंटा अच्छे जाते हैं भाई, थोड़े बहुत लग जाते यार, तुक्के तुम समझा करो। देखो मैं अब निकलता हूँ सीधा नेक्स्ट सर्कल में, और बस देखो अपने साथ क्या ही होने वाला है यहाँ पे। अब देखो आगे जो होगा वो देखा जाएगा, तो तुम लोग देख लेना मेरे पे नहीं देखा जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेंबरशिप ले लेना, कमेंट कर देना, जो कर सकते हो यार कर देना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।